न्यू ईयर को लेकर औली और जोशीमठ में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। न्यू ईयर और क्रिसमस को मनाने के लिए पर्यटक यहां पर काफी समय पहले से पहुंचने लगे थे। जोशीमठ के औली में पर्यटकों का जमावड़ा साफ तौर पर देखा जा रहा है। पर्यटक रोपवे से औली जा रहे हैं और बर्फीली वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहीं पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोपवे और पर्यटन विभाग भी काफी खुश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि औली में लगभग 300 से अधिक पर्यटक रोपवे से गए, जिसके बाद से रोपवे की टिकट और चेयर लिफ्ट के टिकट पूरे बिक चुके हैं। रोपवे में टिकट न मिलने के बाद औली जाने वाले पर्यटक पैदल और अपनी गाड़ियों से औली पहुंचे। वहीं औली में व्यवस्थाएं न होने से पर्यटकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दूसरी तरफ पहाड़ों में मौसम विभाग ने 27-28 दिसंबर के बाद से ही बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया था, जो कि सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हिल स्टेशनों पर पर्यटक काफी ज्यादा संख्या में पहुंचने लगे हैं, ताकि समय पर बर्फबारी का दीदार कर सकें। हमारी कैपेसिटी क्या है कि जो भी हम टूरिस्ट यहाँ से भेजते हैं तो रोपवे से मैक्सिमम हम 300-350 ही भेज पाते हैं, क्योंकि जो भी जाता है उसको स्कीइंग भी करनी है, उसको स्नो में आनंद भी लेना है, और चेयरलिफ्ट से हमारे पास मैक्सिमम भेज सकते हैं हम 1000 के करीब। तो आज की डेट में हमारे पास 150 के करीब वापस गए हैं टूरिस्ट जिनको टिकट नहीं मिला, और 10:30 बजे ही बुकिंग क्लोज हो चुकी। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।